हेलो फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिला बदर के बारे में। जिला बदर क्या होता है और क्यों होता है, इसके नियम क्या हैं, तो चलिए जानते हैं जिला बदर के बारे में। जिला बदर से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भगा देना है, या मतलब अपने जिस ज़िले में वह है उस ज़िले से उसको प्रतिबंधित कर देना। आम भाषा में हम बोल सकते हैं कि जिस ज़िले में हम रहते हैं उस ज़िले में आपको नहीं आना है, नहीं रहना है, आपको अपने ज़िले से बाहर कर दिया जाता है। इसको हमें प्रशासनिक शब्द के रूप में, तो जिला बदर से मतलब वह प्रशासनिक कार्रवाई है जिसमें आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त व्यक्तियों को कुछ निर्धारित समय के लिए ज़िले से बाहर कर दिया जाता है। यह कार्रवाई जिला के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई अनुशंसा पर कलेक्टर के द्वारा की जाती है। आमतौर पर चुनावों के समय ऐसा किया जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो आतन अपराधी है, जो हमेशा अपराध ही करता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक विशेष टाइम के लिए, जैसे 2 महीने, 1 महीने या 4 महीने के लिए उस ज़िले से बाहर आदेश कर दिया जाता है कि आप कहीं भी रहें लेकिन इस ज़िले में आप ना रहें, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए जिला बदर कहा जाता है। जिला बदर की प्रक्रिया यूज की जाती है। यह जिला कलेक्टर द्वारा एसपी की अनुशंसा पर किया जाता है। तो दोस्तों, आप जिला बदर के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।